नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रथम राज्य लागू करने वाला इस टॉपिक पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, एक बात और, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज मैं प्रथम राज्य लागू करने वाला इसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन कल इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था विश्व में प्रथम देश लागू करने वाला, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था। दोस्तों, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के होम पेज पे जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कब किया था? 2012 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, मोबाइल कोर्ट एबिलिटी लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। कब किया था? 2010 ईस्वी में। तीसरा सवाल है, ग्राम न्यायालय लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो दोस्तों, राजस्थान प्रथम राज्य बना, जो कि सबसे पहले ग्राम न्यायालय लागू किया। कब किया था? तो 2009 ईस्वी में। चौथा सवाल है, प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड, यानी कि सबसे पहले किस राज्य ने प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। कब किया था? 2013 ईस्वी में। पांचवा सवाल है, वोटिंग प्रमाण पत्र देने वाला प्रथम राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। दोस्तों, ये कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 ईस्वी। छठा सवाल है, डाक विभाग द्वारा एटीएम जारी करने वाला प्रथम राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कब किया था? 2015 ईस्वी में। सातवां सवाल है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो दोस्तों, सूचना का अधिकार सबसे पहले तमिलनाडु में जारी किया गया था 1997 ईस्वी में। आठवां सवाल है, प्रथम भाषा पर आधारित राज्य? प्रथम भाषा पर आधारित राज्य कौन सा है, यानी कि आंध्र प्रदेश 1953। दोस्तों, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। नौवां सवाल है दोस्तों, संस्कृत राजकीय भाषा लागू किया, यानी कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले संस्कृत को अपना राजभाषा घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दसवां सवाल है, प्रथम महिला थाना? कहने का मतलब है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले महिला थाना खोला गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कब खोला गया था? 2010 ईस्वी में। ग्यारहवां सवाल है, विश्व बैंक को क्रेडिट कार्ड बेचने वाला प्रथम राज्य? दोस्तों, सबसे पहले विश्व बैंक को क्रेडिट कार्ड हिमाचल प्रदेश ने बेचा था। कब बेचा था? 2011 ईस्वी में। बारहवां सवाल है, पूर्ण बैंकिंग राज्य कहने यानी कि सबसे पहला राज्य कौन है जो कि सब यानी कि पूरे राज्य में बैंकिंग यानी पूर्ण बैंकिंग राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कब बना है? 2011 ईस्वी में। चौदवा सवाल है, गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य? गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कब बना है? तो 2012 ईस्वी में। पंद्रहवा सवाल है, लोक आयुक्त लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र 1971 ईस्वी में। सोलहवा सवाल है, ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य? तो दोस्तों, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल में किया गया था 1982 ईस्वी में। और यदि पूछ दे कि पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य, तो दोस्तों इसका आंसर गोवा होगा। तो कब किया था? 1998 ईस्वी में। अठारहवां सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय? तो दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में है और ये भारत का प्रथम राज्य है जहाँ की राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला गया है, हरियाणा गुड़गांव। 19वां सवाल है, वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है, वो 2003 ईस्वी में लागू किया गया। और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। 20वां सवाल है, मृतकों की जनगणना करने वाला प्रथम राज्य? तो
दोस्तों मृतकों की जनगणना करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है, जो कि 2012 ईस्वी में किया था। 21वां सवाल है, सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान 2012 ईस्वी। 22वां सवाल है, सेवा का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश 2014 ईस्वी। 23वां सवाल है, पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान 1959 ईस्वी में, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, वो भी 1959 ईस्वी में ही लागू किया था। 24वां सवाल है, सभी गांवों में बिजली प्रवेश, यानी कि सभी गांवों में बिजली का प्रवेश सबसे पहले कौन सा राज्य किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यदि पूछ दे कि सबसे पहले कौन सा राज्य गांव में बिजली पहुंचाया, तो इसका आंसर हरियाणा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया सभी गांवों में, तो सभी गांवों में गुजरात पहुंचाया है, लेकिन किसी गांव में बोल दे तो हरियाणा होगा, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन बहुत बार हुआ है। मैंने एक वीडियो में ये क्वेश्चन डाला था, तो वहाँ पर बहुत लोगों को ढेर सारा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसके चलते मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ कि यदि पूछ देगी सभी गांवों में बिजली का प्रवेश, तो गुजरात होगा 2006 ईस्वी, और यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे पहले गांव में बिजली किस राज्य में सबसे पहले गांव तक बिजली कौन सा राज्य पहुँचाया, तो उसका आंसर हरियाणा होगा, लेकिन सभी गाँवों में हरियाणा नहीं पहुँचाया था। यदि पूछा जाए कि सभी गाँवों में, तो गुजरात होगा, कब किया था 2006 ईस्वी में। और अगला सवाल है दोस्तों, 25वां सवाल, स्वास्थ्य अदालत लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कब किया था 2014 ईस्वी में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें उन सारे क्वेश्चन को कवर करूँगा जो कि छूटे हुए हैं, और जैसे कि GST सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि GST 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में लागू किया गया था, और दूसरा राज्य बिहार है, और सबसे अंतिम में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, और मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रहें। और दोस्तों लगभग 2-3 महीना में ही मैं 1,34,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया हूं, और ये आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो आप लोगों को हमारे टीम की तरफ से, हमारे इंडियन आर्मी यूट्यूब टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, मैं हर एक संडे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, जिसमें कि लगभग 10 व्यक्तियों को हमारे चैनल की तरफ से प्राइज़ दिया जाता है, जो कि उस टेस्ट में जो सारे क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता है, और उसमें बहुत ईजी सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो संडे 9 बजे सुबह में आप अपने यानी कि हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जाता है, उस वीडियो को देखकर आप टेस्ट लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर दे सकते हैं, और आप भी प्राइज़ जीत सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।